दिल्ली पुलिस ने एक अफगानी युवक को गिरफ्तार किया है जो अपने पेट में कोकेन के 7 पैकेट लेकर हवाई रास्ते से दिल्ली आ गया, लेकिन यहां उसकी तबीयत खराब हुई और अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टर्स ने ये पैकेट्स निकाले। हफीजुल्ला नाम का ये अफगान युवक काबुल से आया है, फिलहाल पुलिस के शिकंजे में है क्योंकि वो अपने साथ ले आया 70 ग्राम कोकीन, वो भी एक खास तरीके से। इस शख्स ने कोकीन के 7 पैकेट पानी के साथ पी लिए और 14 जनवरी को हवाई रास्ते से दिल्ली आ गया, लेकिन यहाँ उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, पेट में दर्द की वजह से उसकी जांच हुई तो सारा राज खुल गया। एंडोस्कोपी में उसके पेट में 7 पैकेट दिखाई दिए। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो सब हैरान रह गए और पुलिस ने 7 लाख की कोकीन के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। अफगान इंटरप्रेटर के साथ मिलके तो इसने बताया कि मसूद के साथ मिलके ये इंडिया आया था, और इसने ये भी बताया कि मसूद और उसके कुछ साथी रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही पेट में स्वॉलो करके कोकेन लाते रहे हैं। दिल्ली, NCR और आसपास की स्टेट्स में इसकी काफी डिमांड है। पुलिस कहती है कि दिल्ली नशे के कारोबार का एक बड़ा केंद्र है। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से और नाइजीरिया से नशे का सामान लाया जाता है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। कुदरत के करिश्मे की वजह से हाफिजुल्ला तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन उसका साथी मसूद भी काबुल से दिल्ली आया, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 30 पैकेट कोकीन अपने पेट में लेकर, और फिर आसानी से वापस चला भी गया और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाथ मलते रह गई। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रवि के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।